अस्सलाम वालेकुम। शुगर इंडस्ट्री, प्रीवियस लेक्चर में शुगर इंडस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स पढ़े थे, एक स्टेप्स को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप था एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, शुगर कैन से जूस किस तरह निकाला जाता है, ये पहला स्टेप था एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। इसके बाद सेकेंड स्टेप वो है प्यूरीफिकेशन ऑफ जूस, जो जूस हमने निकाला उसको साफ कैसे किया जाता है। थर्ड स्टेप है कंसंट्रेशन, फिर हम उसी जूस को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक्स्ट्रा पानी को वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद चीनी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और लास्ट वाली चीज़ हमारे पास जो आ रही होती है वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रिस्टल्स। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में एक स्टेप तो हम पढ़ चुके हैं, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है प्यूरीफिकेशन, साफ करना है ऑफ जूस, जूस को प्यूरीफाई करना है। अब प्यूरीफिकेशन के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे हम जूस को प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, इसके मज़ीद कुछ स्टेप्स हैं कौन कौन से। पहला स्टेप जो प्यूरीफिकेशन में कर रहे होते हैं वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप फॉस्फेटेशन। थर्ड स्टेप सल्फोनेशन। हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन करेंगे। और फोर्थ स्टेप है हमारे पास कार्बोनेशन। अब सल्फोनेशन के बाद दफ़ा दो स्टेप होते हैं, सही है, फर्स्ट सल्फोनेशन एंड सेकंड सल्फोनेशन। वो देख लेंगे इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन शुगर में पहला जो स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। और देखो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है फिल्ट्रेशन, तो साफ करना है, और एक वर्ड मैंने यहां पे इस्तेमाल कर ली प्रेशर, मतलब प्रेशर का यूज करके शुगर कैन के जूस को साफ करेंगे। अच्छा, पहले ना प्रेशर फिल्ट्रेशन से पहले एक काम कर लिया जाता है, वो ये है कि शुगर कैन जूस के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत कचरा वगैरह आ जाता है, सही, जब जूस निकाल रहे होते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग कर ली जाती है, सही है। तो लार्ज पार्टिकल्स are removed by preliminary screening। मसलन क्या मुराद है, कभी आपने गन्ने के जूस से गुड़ बनता देखा हो ना, तो जहाँ भी गन्ने का जूस निकाल रहे होते हैं उसके नीचे एक जाली रखी होती है, सही है। उससे क्या होता है कि जब गन्ने का जूस निकल रहा होता है तो जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ना गन्ने के जूस के, वो वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल नहीं उठते, वो आगे आ जाते हैं जूस के साथ, सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अब गन्ने का जूस यहाँ पर आके कलेक्ट हो गया, यहाँ पर आके गन्ने का जूस कलेक्ट हो गया। अब आपने इसके अंदर एक केमिकल है,
इसको डालना होता है, वो है डाई एटोमियस अर्थ, डाई एटोमियस अर्थ, ये व्हाइट कलर का जिससे चूना नहीं होता, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा होता है, डाई एटोमियस अर्थ को यहाँ पे डाला जाता है, सही है। तो इसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। अब डायटोमिस अर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है ना, याद रखिए कि इसमें कलर्ड इम्प्रूव नहीं होगा, मतलब जब गन्ने का जूस निकाला जाए तो उसका ब्राउन ब्राउन कलर होता है, इसमें कलर की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। सिर्फ डायटोमिस अर्थ डालने पे जो रेत मिट्टी ये वो चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ हद तक वो रिमूव हो जाती हैं। इसमें कहते हैं ऐड डाई एटोमियस अर्थ, डाई एटोमियस अर्थ, इसमें डाई एटोमियस अर्थ को डाला जाता है, सही है। और इट इज फिल्टर्ड, इट इज इसी जूस को हम फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर्ड एट 60 PSIG प्रेशर। ये PSIG क्या है जी, हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, प्रॉपर लिखूं तो इसको कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज। और इस प्रोसेस में नो इम्प्रूवमेंट इन कलर, नो इम्प्रूवमेंट इन कलर, इस केस में कलर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सही। यह था जी हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो मेन मेन बातें याद रखनी है वो ये है कि हम प्रेशर फिल्ट्रेशन से पहले पहले प्रीमरली स्क्रीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज पार्टिकल गन्ने के जूस के अंदर अगर आ रहे हैं तो उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद इसमें डायटोमिस अर्थ को डाला जाता है, सही। डायटोमिस अर्थ को डालने के बाद हम इसकी प्रेशर फिल्ट्रेशन करते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन करने के बाद कुछ हद तक इसमें से जो स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं, कुछ हद तक निकल जाते हैं, सारे के सारे नहीं निकलते, क्योंकि आगे बाद सारे के सारे प्रोसेस करने के बाद आपके गन्ने के जूस बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, सही। कुछ हद तक पार्टिकल्स निकल जाएंगे, निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और बात जो कि आपने याद रखनी है, यहाँ पे कलर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जो ब्राउन कलर होता है, लेकिन आप शुगर का कलर चेक करो तो बिल्कुल व्हाइट कलर होता है शुगर का, सही। यहाँ पे जो ब्राउन कलर होता है शुगर का वैसा ही रहता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉस्फिटेशन। नेक्स्ट स्टेप है फॉस्फिटेशन। अब फॉस्फिटेशन में हम क्या करते हैं वो ज़रा गौर कर लेते हैं। अब फॉस्फिटेशन में इसी जूस को दोबारा लिया जाता है, ये वाला जूस है, इसमें दो चीज़ें ऐड की जाती हैं, कितनी चीज़ें ऐड की जाती हैं, इसमें दो चीज़ों को मज़ीद ऐड किया जाएगा। एक तो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, क्या चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड है, और इसके बाद हमारे पास है लाइम। ये दो चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 होता है और लाइम का फार्मूला, इसको ना बाद में सिलेक्ट लाइम, लाइम का नाम दिया जाता है, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, CaCO3, सही है। और अकेला लाइम जो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, सही। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर डाला जाता है, बेसिकली लाइम को ये गुड़ वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आम जुबान में रंग काट कहते हैं, आम जुबान में लाइम को रंग काट कहते हैं, उसके अंदर डाला जाता है, जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो लाइम के साथ बाहर आ जाती हैं, सही है। हम दो चीज़ों को इस शुगर कैन जूस के अंदर डाल रहे होते हैं और इस प्रोसेस को फॉस्फिटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड को डाला जा रहा है। पहले नंबर पर यह बात याद रखनी है कि हमारे पास इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फॉस्फिटेशन में एड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम इन शुगर कैन जूस। शुगर कैन जूस के अंदर आपने दो चीज़ें डाली, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसके बाद आपने इसी शुगर कैन जूस को लेना है और तकरीबन तकरीबन हीट इट, हीट
इट एट 140 to 160 फ़ारेनहाइट स्केल। आपने इसको 140 से 160 फ़ारेनहाइट स्केल पे गर्म करना है, और आपने लिक्विड की जो पीएच है वो तकरीबन अंदाजतन होती है 7 to 7.5 तक मेंटेन करनी है। द पीएच पीएच इज मेंटेन एट 7 to 7.5 बाय एडिंग लाइम और याद रखिएगा जो लाइम है ना, ये वाली चीज़ ये बेसिक इन नेचर होती है। से आपने इसके अंदर लाइम को डालते जाना है, क्योंकि इसके साथ एक एसिड भी डाला है, लाइम को डालते जाना है। पीएच आलमोस्ट आलमोस्ट 7 तक हो जाए, यानी कि न्यूट्रल हो जाए या थोड़ी सी स्लाइटली बेसिक हो जाए, तो उस वक्त तक आपने इस चीज़ को डालना है। और पीएच जब स्लाइटली बेसिक हो जाएगी तो उसमें ना एक चीज़ बननी शुरू हो जाती है, सही है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट आपसे मिलते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, देखो फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट है, कैल्शियम लाइम है, कैल्शियम है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट बन जाते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट जो इम्प्योरिटीज है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, सही है। इट फॉर्म इन शुगर कैन जूस, शुगर कैन जूस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है विच इज या विच एड्सॉर्ब, जो कि जज़ब कर लेता है इम्प्योरिटीज को, एड्सॉर्ब इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज को जज़ब कर लेगा। देखिए खास बात यह है, ये क्या कर लेता है, इम्प्योरिटीज को जज़ब कर लेता है, और इम्प्योरिटीज वो वाली जज़ब करेगा जिसका साइज तकरीबन 200 माइक्रोमीटर होता है, 200 माइक्रोमीटर साइज होता है, सही है। अब इसके बाद पता क्या किया जाता है, इसी सॉल्यूशन को तकरीबन 30 से 60 मिनट तक रखा जाता है। सॉल्यूशन यानी कि ये वाला शुगर वाला है, सॉल्यूशन इज अलाउड फॉर 30 to 60 मिनट एंड देन फिल्टर। उसको इसके बाद आपने फिल्टर करना, क्योंकि 30 to 60 मिनट रखेंगे ना, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट बना है, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 2। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है, कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्योरिटीज को जज़ब कर लेता है 30 से 60 मिनट के बाद, इसके बाद आपने इसको कर देना है फिल्टर। अब जब ये वाला प्रोसीजर करते हो, पूरा का पूरा फॉस्फेटेशन कर रहे होते हो, इसमें तकरीबन 30 to 40% कलर में तब्दीली आ जाती है, मतलब थोड़ा सा वाइट में चला जाता है, सही। तकरीबन 30 to 40% इम्प्रूवमेंट इन कलर अकर, कलर में तकरीबन 30 से 40% इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, अभी तक हमने किया क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन में हमने प्राइमरली जो स्क्रीनिंग है उसको करने के बाद हमने डायटोमिस अर्थ को ऐड किया, प्रेशर फिल्ट्रेशन की, सही है, और कितने प्रेशर पे, 60 PSI प्रेशर पे की, उसमें कोई कलर में तब्दीली नहीं आती। इसके बाद फॉस्फेटेशन है, फॉस्फेटेशन में दो केमिकल को ऐड करना है, फॉस्फोरिक एसिड को और लाइम को, फॉस्फोरिक एसिड को लाइम को ऐड करके करने के बाद हमने 140 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हमने लाइम को ऐड करके 7 से 7.5 तक पीएच को मेंटेन करना है। इसमें क्या बनता है, जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो इसमें इंप्योरिटीज होती हैं उनको जज़ब करता है, जज़ब करने के बाद इसको तकरीबन सॉल्यूशन को 30 से 60 मिनट के लिए रखना है, और इसके बाद तकरीबन 30 से 40% कलर्ड में इम्प्योरिटीज यानी कि इंप्रूवमेंट आ जाती है। लास्ट वाला स्टेप हमारे पास वो है सल्फिटेशन। अब सल्फिटेशन नाम से ज़रूर देखो,
फॉस्फेटेशन, फास्फोरिक एसिड ऐड किया, मतलब इसमें कोई सल्फर के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी। तो इस प्रोसेस में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इस सोल्यूशन में से गुजारते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, यही वाला शुगर वाला, शुगर कैन जूस। इसमें से आप गुजारोगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, किसको गुजार रहे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजार रहे होते हो, सही। तो नेक्स्ट हम बात यही लिखेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द हीटेड जूस ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन तकरीबन 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आपने गर्म करना है, सही है। तो फिर आपने इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारते रहना उस वक्त तक, देखो यहाँ पे पीएच कितनी हमने मेंटेन की थी, 7 से लेके 7.5, तो पीएच इज मेंटेन्ड अबाउट, पीएच जो है वो तकरीबन मेंटेन होनी चाहिए 6.9 to 7.1 बाय पासिंग, किस चीज़ को गुजार के, बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजार के तकरीबन पीएच इतनी मेंटेन हो जानी चाहिए। इसके बाद आपने पीएच इतनी मेंटेन करने के बाद आप नेक्स्ट काम करना है कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको मजीद गर्म करना है, सही। नाउ हीट इट एट 103 डिग्री सेंटीग्रेड, 103 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें जो वेपर, जो क्योंकि 103 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है, याद रखिएगा। 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। जब आप इसको 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करोगे, इसमें काफ़ी सारे वेपर्स पानी के निकल जाएंगे, क्योंकि शुगर कैन जूस में काफ़ी ज़्यादा पानी के वेपर्स होते हैं, वो सारे के सारे उड़ना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद हमारे पास एक शय बन जाएगी, उसको कहते हैं सिरप, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सब बन जाता है, उसको हम सिरप का नाम देना शुरू कर देते हैं। क्या नाम देना शुरू कर देते हैं, सिरप का। 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हो, इवेपोरेशन अकर एंड इट प्रोड्यूस सिरप, SYRUP, सही है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया था व्हाट इज सिरप इन शुगर इंडस्ट्री, व्हाट इज सिरप ऑफ शुगर कैन जूस, सही, आपने कहना जी व्हेन अ शुगर कैन जूस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर अबाउट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, या कंसनट्रेटेड पेस्ट इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड सिरप। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, सिरप का नाम दे रहे होते हैं, सही। बाज दफ़ा एक दफ़ा हमने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारी, इसको फर्स्ट फॉस्फिटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को अगर एक दफ़ा गुजारते हो तो इसको फर्स्ट फॉस्फिटेशन कहते हैं, अगर दूसरी दफ़ा गुजारते हो तो इसको सेकंड फॉस्फिटेशन कहते हैं। बाज दफ़ा हम सेकंड फॉस्फिटेशन भी करते हैं, सही है। तो हम क्या कहते हैं जी, SO2 इज अगेन पास्ड अंटिल हत्ता के pH become, कितनी pH हो जाए हमारे पास, pH become 5.5। याद रखिएगा जो SO2 है ये एसिडिक नेचर है, SO2 की एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि pH 7 से कम होगी, मतलब पहले इसकी pH ही यहाँ पे चेक करो, तकरीबन हमने मेंटेन की 7 से लेके 7.5, यानी कि स्लाइटली बेसिक थी, फिर हमने SO2 गुजारी तो 6.9 तक आ गई, फिर कहते हैं मजीद आपने SO2 गुजारनी है, पीएच कहाँ तक आ जाए, 5.5 तक आ जाए, सही है। इस प्रोसेस को सेकंड फॉस्फेटेशन कहते हैं। अगर यहाँ तक पीएच ले गया तो 6.9 तक फर्स्ट फॉस्फेटेशन, बाद हम मजीद सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं तो इस प्रोसेस को सेकंड फॉस्फेटेशन कहते हैं, सही है। तो इसके बाद हम इसको मजीद कंसनट्रेट करते हैं, हीट द सोल्यूशन और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मड की फॉर्म में बाहर आ जाती हैं, सही है। तो इसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर
जूस, जूस को फिल्टर कहते हैं, और इम्प्योरिटीज मर्ड की फॉर्म में बाहर आ जाती हैं, सही। और इस इम्प्योरिटीज़ को, ये वाली बातें मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, और इन इम्प्योरिटीज़ को हम खाद वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो फिल्टर करने के लिए हम रोटेटरी फिल्टर यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब इस तरह की गोल सी मशीन होती है, इसके ऊपर हम इसको गिराते हैं, गिराने के बाद जूस नीचे निकल जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है इसके ऊपर बच जाती हैं, यहाँ बच जाती हैं, इस इम्प्योरिटी को यहाँ से निकाल के इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो द इम्प्योरिटीज, द इम्प्योरिटीज ऑब्टेन एज अ रेजिड्यू, एज अ रेजिड्यू इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। जो इस प्रोसेस में इम्प्योरिटीज़ हमारे पास आ रही होती हैं उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ले जी, ये हमारे पास सारी प्योरीफिकेशन ऑफ जूस। इसके बाद नेक्स्ट एक और भी स्टेप है, वो है डबल फॉस्फेटेशन, डबल कार्बोनाइजेशन, सही। एक स्टेप अभी रह गया, वो है कार्बोनाइजेशन, सही है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक देख लो हमने क्या क्या काम किया जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन की, फॉस्फेटेशन की, सल्फोनेशन की, सल्फिटेशन की, सही है। सब में आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सिंपल प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है, सही। कम से कम पीएच वगैरह थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, वैल्यूज थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लो, लेकिन कोशिश करो एग्जैक्ट याद कर लो, सही है। फॉस्फोरेशन में ये याद रखना है, फॉस्फोरिक एसिड लाइम को ऐड करते हैं, सल्फिटेशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है, गर्म करना है, इसको फर्स्ट फॉस्फोरेशन कहेंगे, सही है। फिर इसको गर्म करना है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है, इसको सेकेंड फॉस्फोरेशन कहेंगे, सही है। इसको क्या कहेंगे, सेकेंड फॉस्फिटेशन। ये चंद बातें आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।